वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर रहेगा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर उसका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थशास्त्र के हमने पार्ट वन को पहले से, मतलब कि फर्स्ट यूनिट से लेकर चार यूनिट तक हमने पहले आपको कवर करा दिया, जिसमें हमने पार्ट वन में पूरा किया था। अब हम पार्ट टू की बात करेंगे और पार्ट टू में पांच से लेकर आठ तक की जो यूनिट है उसको क्लियर कराएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, देखो हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन से बोला जाता है, उसकी बात करने वाले, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम का, पहले टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, और ऊपर टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं मैंने। रिटन एग्जाम हो रहा है तो रिटन से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे उसका लिंक मिल जाए तो आप देखो, यदि आप चाहते हो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलूं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा है जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर, आप बीए को सब्सक्राइब कर लो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव और सबके लिंक मिल जाएंगे एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो देखो पांचवी यूनिट से स्टार्ट करते हैं बेटा, पांचवी यूनिट पहला क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। ये बोला गया है अपूर्ण प्रतियोगिताओं में संतुलन के बिंदु पर सीमांत जो लागत, सीमांत लागत को हम एमसी बोलते हैं, ठीक है, वक्र सीमांत आगम, आगम का मतलब होता है एआर, वक्र को कैसा करता है, तो आप कहोगे वो कैसा करेगा बेटा, तो आप कहोगे नीचे की ओर काटेगा, ऑप्शन नंबर क्या है, नीचे की ओर काटता है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर सीमांत आगम रेखा औसत आगम रेखा के नीचे स्तर रहती है, अर्थात सीमांत आगम औसत आगम के आगम से कम रहता है, इसका कारण है कि अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहोगे फर्म की कीमत को कैसे करेंगे बेटा, फर्म की जो कीमत है उसको घटानी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एकांकीकरण या एकाधिकरण कह सकते हैं, सॉरी एकाधिकर, एकाधिकर से हमारा आशय बाजार के उस स्थिति से है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर क्या होता है, एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर क्या होता है, किसी एक उत्पादक और फर्म का नियंत्रण रहता है, ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे ऐसी पोजीशन जब आती है तो उसमें विभेद कह सकते हैं, जो विभेदात्मक जो एकाधिकार कहते हैं उसको, एक विभेदात्मक मतलब विभेद कर रहा है आपस में, तो विभेदात्मक एकाधिकार बोला जाता है इसको, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूलता है, मतलब एक वस्तु है उसको मैंने किसी वस्तु से ली ₹5 में, किसी वस्तु किसी व्यक्ति को दिया वो ₹10 में, अब अलग अलग रुपए मैंने वसूले है तो एक ही वही वस्तु, उसमें क्या हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं विविधात्मक एकाधिकार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अल्पाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार की बात करें तो अल्पाधिकार का मतलब होता है, देखो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, विशुद्ध अल्पाधिकार और कह सकते हैं जो भेदित अल्पाधिकार होता है उन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्पाधिकार बनता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अल्पाधिकार फर्म या फिर अथवा विक्रेता की मांग रेखा होती है, कैसी होती है, तो आप कहेंगे वो होती है बेटा नीचे की ओर, कैसी होती है, नीचे की ओर गिरती है, ऑप्शन नंबर गिरती हुई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विकुंचित मांग वक्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, जो विकुंचित मांग होती है उसकी जो व्याख्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, पोल एम कह सकते हैं स्वाजी, ठीक है सोवी जी बोलेंगे, सोवी जी ठीक है, ऑप्शन नंबर पोल एम स्वाभिजी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है उत्पादक विभेदन किस बाजार दशा की विशेषता है, उत्पादन विभेद किस बाजार दशा की विशेषता है, तो सभी का आंसर आया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहां कह रहा है विक्रय लागत आवश्यक है, विक्रय लागत किसके लिए आवश्यक होती है, तो आप कहेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए, किसके लिए, आप होंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए
आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेता का बाजार है जो संपूर्ण अथवा विभेदीकृत वस्तु की बिक्री करते हैं और इसके अंतर्गत उसे कम विक्रेता देते हैं या फिर कम विक्रेता होते हैं कि वे परस्परक निर्भरता को पहचानते हैं और ये परिभाषा किसकी है। तो ये जो परिभाषा है वो है बेटा डूली की है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार किसने दिया। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का जो विचार दिया था वो चैम्बरलेन ने दिया था, ठीक है, चैम्बरलेन ने, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यहां करें अल्पाधिकार होता है, अल्पाधिकार क्या होता है तो आप कहोगे पूर्ण और अपूर्ण अल्पाधिकार, खुला एवं बंद अल्पाधिकार और गंट बंधन एवं गैर गठबंधन अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विकुंचन मांग वक्र की धारणा संबंधित होती है तो वो अल्पाधिकार से होती है बेटा, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठी यूनिट में देख लेते हैं, छठी यूनिट में क्या क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम 2022-23 के लिए, ठीक है, जो आपका एग्जाम 2022-23 होता है उसकी बात करने वाला हूं। आप इस बैच को देखिए अच्छे तरीके से, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बीकॉम इकोनॉमिक्स का पेपर है, अर्थशास्त्र आप देख लीजिए, एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां बोला गया एकाधिकार को मूल निर्धारण उस बिंदु पर करता है या फिर करना चाहिए जहां क्या होगा, एकाधिकार को मूल निर्धारण उस बिंदु पर करना चाहिए जहां क्या होना चाहिए बेटा, जहां सीमांत लागत कैसी होती है, जहां सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत आय के बराबर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि दीर्घ काल में एकाधिकार को प्राप्त करता है, एकाधिकारी को प्राप्त होता है क्या होता है, जब दीर्घ काल होता है उसमें एकाधिकारी को क्या प्राप्त होता है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप कहोगे उसको मिलता है समान हानि प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत की तुलना में कैसी होती है, तो आप कहोगे वो अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां, एकाधिकारी किस बाजार में बेचना चाहेगा बताइए, जहां पर क्या होगी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, जहां मांग की लोच इकाई से अधिक होती है वहां, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के साथ किस अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बेटा जेबी कह सकते हैं क्लार्क का है बेटा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या कीमत विभेद तभी लाभदायक होगा जबकि विभिन्न बाजारों में एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, कैसी होगी मांग की लोच, आप कहोगे किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे में अंतर होगा, जब में अंतर होगा याद रखना कीमत विभेद तभी लाभदायक होगा जबकि विभिन्न बाजारों में एकाधिकारी की मांग में कैसा होगा, लोच में अंतर होगा, मांग की लोच में अंतर होगा तब उसे लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कीमत, देखो कह रहा है कीमत विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी संतुलन की जो शर्त होती है वो कैसी होती है, तो 7वें का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। तो यहां देखिए MR उसके बाद में MRB और MC, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है, तो कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है ये हमसे पूछा है, तो बेटा कीमत विभेद जो होती है वो होती है याद रखना 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा एकाधिकार की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्य की अवस्थाओं में एकाधिकारी मूल होता है, जो साम्य की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें एकाधिकारी जो मूल होता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे वो होता है MR से बड़ा होता है बेटा, MR से बड़ा कौन होता है AR होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। कह रहा है जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ता के भिन्न भिन्न वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विवेचनात्मक एकाधिकार, मतलब अलग अलग मूल्य वसूल करता है हर व्यक्ति से। तो अब हम 7वीं यूनिट को देख लेते हैं, 7वीं यूनिट में क्या इंपोर्टेंट है MCQ जो आपके एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका रिटन एग्जाम है वो नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर दीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाने के बाद में आपको सारा मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। यहां देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन देखो हाँ, पहला क्वेश्चन बोला गया है साधनों की पूरक होने की स्थिति में साधन की प्रतिस्थापन लोच कैसी होती है, तो आप कहोगे अनंत होती है बेटा,
कैसी होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि दो साधन एक दूसरे से पूर्ण स्थान कह सकते हैं स्थापन हो तो प्रतिस्थापन की लोच होगी, तो प्रतिस्थापन की लोच कैसी होगी? तो आप शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति हौस नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कैसा होता है? देखो, उत्पत्ति हौस नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम होता है उसकी बात की जाए तो वो कैसा होता है? तो आपको कृषि एवं उद्योग दोनों में लागू होता है बेटा, कृषि और उद्योग दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, उत्पाद वृद्धि के साथ कौन सी लागत निरंतर बढ़ती है? देखो, उत्पाद वृद्धि के साथ कौन सी लागत होती है जो निरंतर बढ़ती है? तो आप कहोगे वो बढ़ती है बेटा परिवर्तनशील लागत जो होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, उत्पत्ति हौस नियम से जन्म दिया, तो देखो जो उत्पत्ति हौस नियम से जन्म दिया है किसको जन्म दिया है? तो आपका सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर पांच का जो रहेगा वो आएगा नए आविष्कारों को। उसने देखो जो उत्पत्ति हौस नियम से जन्म दिया है तो वो नए आविष्कारों को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति हौस नियम लागू होने का कारण क्या है? तो उत्पत्ति जो हौस नियम जो है वो लागू होने का जो कारण है वो बेटा साधनों की सीमंता है और साथ ही साधनों के परंपर अपूर्ण स्थान बनता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों मतलब कि सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, समुत्पाद बकरों को कहा जाता है, तो समुत्पाद जो बकर होते हैं उनको क्या कहा जाता है बताइए, उनको क्या कहा जाता है? तो सातवें का जिसने भी किया है सममात्रा वक्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है, बाजार के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है बताइए? स्पर्धात्मक दशा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की अच्छी परिभाषा श्रीमती जॉन रोबिंसन ने देते हुए कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उपज की मांग कैसी होगी? प्रत्येक उत्पादक की उपज की जो मांग होगी वो कैसी होने वाली है? तो आप होंगे पूर्णता कैसी होगी कह सकते हैं, पूर्णता बिलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं दी गई जिनमें से गलत को आपको बताना है। गलत कौन सी विशेषता है? देखो यहाँ तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में आपको कौन सा गलत आपको दिखाई दे रही है? तो आपको कीमत पर फर्म का नियंत्रण, जो कीमत पर फर्म का जो नियंत्रण होता है यही इसकी विशेषता गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न विशेषता संबंधित नहीं है, तो आपसे पूछा है प्रतियोगिता में जो निम्न विशेषता कौन सी संबंधित नहीं है, तो वो चीज है कहोगे कीमत, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कीमत पर कुछ नियंत्रण ये क्या है भिन्न विशेषता से संबंधित नहीं है। यहां देखो 12वां क्वेश्चन बोला गया है, रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु का मूल्य कैसा होता है निर्धारित होता है कि भाई ये इतने रुपए की बेची जाए, तो वो किस पर आधारित होता है सभी लोग बताएंगे? हाँ, तो वो होता है बेटा उत्पाद लागत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे आदर्श जनसंख्या वह है जिसमें अधिकतम उत्पाद संभव होता है, ये कथन कहलाता है, ये कथन किसका है? तो आप कहोगे ये डाल्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, डाल्टन ने न्यून जनसंख्या एवं अति जनसंख्या को मापने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया, तो कौन सा सूत्र दिया था बताइए, कौन सा सूत्र दिया था? 14वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, एम बराबर ए प्लस ओ बटे ओ। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, अति उत्पादन का कारण क्या होता है? अति उत्पादन का कारण पूछा है हमसे, तो अति उत्पादन का जो कारण होता है वो प्रभावी मांग की कमी होती है, प्रभावी मांग की कमी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अनियंत्रण जनसंख्या गति में वृद्धि, गति से वृद्धि है, ठीक है सॉरी गति से बढ़ती है, आपको बताना है कि अनियंत्रण जो जनसंख्या होती है वो गति से बढ़ती है, तो वो किसके अनुपात किसके अनुसार बढ़ती है? तो आपको ज्यामिति के अनुसार बढ़ती है, ज्यामिति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर गति जो ज्यामिति गति होती है उसके अनुसार बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नव प्रतिष्ठित जो संप्रदाय होता है उसका अर्थशास्त्री कौन थे? आपको पूछा गया अर्थशास्त्री है, तो आप सभी का आएगा जो कह सकते हैं जो मार्शल थे वो है। ऑप्शन नंबर बेटा ए को लॉक कर देना, मार्शल थे, ठीक है सॉरी मार्शल भी थे और साथ ही साथ जयवर्धन भी थे और यहां उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन बोला गया है, देखो मार्थस की जनसंख्या सिद्धांत का आधार क्या था, जो मालथस थे उनके जनसंख्या सिद्धांत का आधार क्या था,
उनका जो आधार था वो था उत्पत्ति हौस नियम से था, ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जे एस मिल उस सिद्धांत विद्वान कह सकते हैं ठीक है जे एस जो मिल थे पर उस पर किस विद्वान का प्रभाव अधिक पड़ा है, सॉरी ये पूछा गया है कि जो जे एस मिल थे उन पर किस विद्वान का प्रभाव है वो सबसे अधिक पड़ा है, तो वो पड़ा था किसका, मार्शल का। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, मार्शल का पड़ा था, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। यहां बोला गया है देखिए मिल के अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र को मानना है, मतलब मिल ने कौन से अर्थशास्त्र को माना है ठीक है, तो मिल के द्वारा कौन से अर्थशास्त्र को, मिल का नाम है जिसे कहते हैं जे एस मिल, जे एस ने मिल को, मिल ने कौन से अर्थशास्त्र, कौन से इकोनॉमिक्स को माना है, तो आपको विज्ञान और कला दोनों को माना है, विज्ञान और कला दोनों को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जे एस मिल अंत में किस विचारधारा से प्रभावित हुआ, तो आप कहोगे वो विचारधारा थी मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुआ था सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहां देखो चार कथन दे रखे हैं और जो गलत होगा वो मजदूर की दर बराबर, देखो यहां दे रखा है, बाकी जो तीनों कथन है वो सही है, मजदूर की दर बराबर होता है श्रमिकों की संख्या बटे मजदूर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1848 की क्रांति के पश्चात एक नए प्रकार का समाजवादिता का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना था, तो राज्य समाज कह सकते हैं, राज्य समाजवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेट्स मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी बेटा किसके द्वारा, तो आपको मार्शल द्वारा लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स द्वारा ठीक है, मार्क्स द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। आठवीं यूनिट को देख लीजिए क्या क्या इंपोर्टेंट है इसमें, क्या क्या आपको पेपर में आता है, तो देखिए आठवीं यूनिट में जो इंपोर्टेंट है वो आपको दिखा देता हूँ, साधन का प्रतिफल निर्भर करता है उसकी, उसकी किस पर निर्भर करता है, तो सीमांत उपभोक्ता पर निर्भर करता है, सीमांत कहते हैं उत्पादकता पर ठीक है, अब उपभोग होगा तो उपभोग के साथ ही उत्पादकता बढ़ेगी, तो वही बोला गया है साधन का प्रतिफल निर्भर करता है तो सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साधन की इकाई बढ़ने से कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता बोला जाता है, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बताता है कि एक साधन की जो कीमत निर्भर करती है, तो एक साधन की जो कीमत निर्भर करती है वो करती है साधन की सीमांत उपभोक्ता पर, ठीक है उत्पादकता पर निर्भर करती है, ठीक है साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अन्य साधन की मात्रा को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के वृद्धि होती है, उसे उस साधन की, उसे उस साधन की क्या बोला जाता है सीमांत उत्पादकता कहते हैं, उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लागन, देखो लागन की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने की थी, तो आप कहोगे वो की थी बेटा रिकॉर्ड कह सकते हैं रिकॉर्ड द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर जिसने भी है रिकॉर्डो कह सकते हैं रिकॉर्ड द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आधुनिक लागन सिद्धांत के अनुसार जो लागन मिलता है ठीक है बुक जो कह सकते हैं लगान जो मिलता है, जो आधुनिक लगान के सिद्धांत के अनुसार जो लगान मिलता है वो कौन सा लगान होता है ठीक है, आकाशीय लगान जो कहते हैं वो कौन सा लगान होता है, तो आप कहेंगे वो जो लगान होता है वो उत्पत्ति के सभी साधनों पर मिलता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगान बराबर वास्तविक ब्याज और माइनस हस्तांतरण आय, ये विचार किसका है, तो ये भी जो विचार था वो विचार था बेटा जॉन रेविनसन का, ठीक है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आवास, देखो एक होता है आवास ठीक है, लगान की जो धारणा किसने दी थी, आवास जो लगान था उसकी जो धारणा दी थी वो मार्शल द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड के अनुसार लगान और कीमत के बीच संबंध किस प्रकार का है, ठीक है जो रिकॉर्डो थे रिकॉर्डो के अनुसार किसके, तो अब रिकॉर्ड के अनुसार जो लगान और कीमत है उनके बीच में जो संबंध था वो था बेटा लगान कीमत को निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं, ये विचार दिया, तो ये विचार किसने दिया, ये रिकॉर्डो ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगान, यहां बोला है लगान भूमि की जो
जो मौलिक और कह सकते हैं अविनाशी जो शक्ति होती है उसके प्रयोग प्रयोग लिए लिए दिया जाने वाला भुगतान है वो कथन क्या कहलाता है। देखो लागान भूमि की एक मौलिक और अविनाशी शक्ति के प्रयोग लिए दिया जाने वाला ठीक है एक कथन है ये एक एक भुगतान है और ये कथन किसका ये हमसे पूछा गया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आप याद रखना रिकॉर्डो का है ठीक है याद रखना रिकॉर्डो का है तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल कथन किसका है। देखो ब्याज जो होता है वो पूंजी का त्याग होता है इसका जो प्रतिफल है वो ये कथन किसने दिया तो आप कहोगे ये को कथन दिया था सीनियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। मजदूरी कोष सिद्धांत प्रतिपादन किया मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया था तो आप कहोगे ये जे एस मिल द्वारा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो यहां ध्यान से देखेंगे यहां बोला गया है ब्याज की तरलता ठीक है पसंदगी सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे तो आप सभी का आंसर आएगा वो थे कीन्स द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का ठीक है पुरस्कार है ये सिद्धांत ये कथन किस शास्त्री द्वारा दिया गया। ये जो कथन दिया गया कि ब्याज एक निश्चित अवधि की के लिए तरलता के ठीक है परित्याग का जो पुरस्कार है ये कथन किसके द्वारा दिया गया कौन से शास्त्री कौन से इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया तो आपको जेएस मिंक जेएस जो किन्स थे उनके द्वारा दिया गया था ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और यहां बोला गया है देखो उदार जो दे को सिद्धांत है उसकी प्रणता क्या है उसकी प्रणता के बारे में पूछा गया तो थे वो थे गुन्नार ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे गुन्नार मिर्डल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्याज के आधुनिक सिद्धांत कौन सा है तो ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है वो बेटा है आईएसएलएम सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ध्यान से देखेंगे लाभ के नव प्रवर्तक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था ठीक है लाभ का जो लव कह सकते हैं जो लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादक था वो था सुम्पीटर याद रखना सुम्पीटर द्वारा किया गया ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। उन्नीस बोला लाभ के जोखिम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है तो जोखिम जो सिद्धांत दिया था लाभ का वो किसने दिया था तो हॉले द्वारा दिया गया हॉले ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लाभ अनिश्चित उठाने का पुरस्कार है ये कथन किसका है तो ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं लाभ अनिश्चितता उठाने का जो पुरस्कार है वो किसका है वो आपको नाइट का है ऑप्शन नंबर डी को राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखिए लागान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था लागान के आधुनिक जो लागान का जो आधुनिक सिद्धांत था ठीक है उसका प्रतिपादन किसने किया था श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने किया था ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रॉबिन्सन जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो लागान का विभेदकारी सिद्धांत संबंधित किससे है तो लागान का जो विभेदकारी सिद्धांत था वो किससे संबंधित था तो किसने दिया था तो आपको रिकॉर्ड ने दिया था रिकॉर्डो के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे रिकॉर्डो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत भूमि और लागत रहित भूमि शब्दों का प्रयोग किसने किया तो सभी का आंसर आना चाहिए डेविड रिकॉर्डो ठीक है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। यहां बोला गया है आभास लगान के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जो आभास लगान था उसको सर्वप्रथम किसने दिया तो वो किया था मार्शल द्वारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां देखने वाले 25वां क्वेश्चन है बेटा सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर जाइए टेलीग्राम पर टच करेंगे तो वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो जाइए और हमारे बीएवाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ठीक है सारे चैनल देख रहे हैं और लास्ट में चले जाओगे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं 2022 में जिसका रिटन एग्जाम होने वाला है। यहां बोला गया है देखिए वितरण के सीमांत उपभोक्ता सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया तो आप कहोगे वो कहा प्रोफेसर जेबी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे ठीक है कलारकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लागान के संबंध में सर्वप्रथम किसने स्पष्ट और संतोषजनक विश्लेषण किया तो वो किया था ठीक है ऑप्शन नंबर रिकार्ड ने ऑप्शन रिकार्डो जिसके नाम से जोड़ा जाना था ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे रिकार्डो ने किया था। यहां बोला गया है वितरण का आधुनिक सिद्धांत बताता है कि एक साधन का मूल वह है वहां पर निर्धारित होगा जहां देखो कह रहा है वितरण का आधुनिक सिद्धांत बताता है कि एक साधन का मूल वहां पर निर्धारित होगा जहां क्या होगी जहां मांग बराबर पूर्ति होगी जहां मांग बराबर पूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ध्यान से देखेंगे यदि साधन
बाजार से पूर्ण ठीक है प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है तो एक फर्म के साम्य की स्थिति होती है, तो एक फर्म की जो साम्य की स्थिति जो होती है वो होती है एमएफसी बराबर एमआरपी बराबर एएफसी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यहां कह रहा है लगान भूमि की मौलिक और अभिनिष्ठ शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिए जाने वाला मूल्य है वो कथन किसका है, तो ये कथन है रिकार्डो का। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बी बराबर एमपी बराबर एमपी बड़ा होता है किससे, एमआरपी से। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन थे 2022-23 में आने वाले क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र की बात करने वाला हूं। अब इन क्वेश्चनों को याद करके 90% प्लस आप लाएंगे, मतलब 85% आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, बाकी कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें एक मैसेज कर दीजिए, आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।